जलकुंभी की जकड़ में संख्या सागर झील नौका विहार हुआ बंद, 2 माह पहले मिला है रामसर साइट का दर्जा, जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते मायूस होकर लौट रहे पर्यटक। शिवपुरी को करीब 2 माह पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सौगात मिली थी, जब साखे सागर झील को रामसर साइट में शामिल करने की घोषणा हुई थी, जिसमें शिवपुरी का नाम विश्व पटल पर अलग पहचान रखने वाले शहर में शामिल हो चुका है। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में स्थित संख्या सागर झील को रामसर साइट घोषित होने के बाद पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ। इस झील को देखने प्रदेश सहित देश के अलग अलग हिस्सों के साथ विदेशी पर्यटक ही शिवपुरी पहुंच रहे हैं, परंतु इस झील को देख रेख से जुड़े जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते पर्यटकों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। इसी मुख्य वजह से झील में जलकुंभी का फैला जाल। माधव नेशनल पार्क में एक और टाइगरों की वेबसाइट के लिए युद्ध स्तरीय तैयारियों में चल रहा है, वहीं दूसरी ओर नेशनल पार्क के जिम्मेदार अधिकारियों की बेरुखी के चलते साखे सागर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जिले में जलकुंभी नाम के लगे दाग को महीने बीतने के बाद भी नहीं साफ किया गया है। झील में नौका विहार के लिए MP टूरिज्म ने इंतजाम भी किया, परंतु जलकुंभी की वजह से नौकायन बंद है, जिसके चलते पर्यटकों में उदासीनता का माहौल देखने को मिल रहा है। झील किनारे धूप सेकते मगरमच्छ को देखने पर्यटक नौकायन करते हैं। जिले में भी वन मंत्री विजय शाह शिवपुरी पहुंचे थे, उन्हें संख्या सागर झील में जलकुंभी के अतिक्रमण के बारे में बताया और उन्हें फिलहाल इस मुद्दे पर बात करना मुनासिब नहीं समझा। अब अभी ये दूसरी बातों में अभी हम लोग इसलिए भी नहीं दे रहे कि पूरा ध्यान केवल चीते, पालपुर, कूनो, प्रधानमंत्री की यात्रा, मध्य प्रदेश की उन्नति और वाइल्ड लाइफ से टूरिज्म को बढ़ावा। जलकुंभी तो बहुत बड़ा एरर है अपने चांदपाठा लेक के लिए, और आने वाले पर्यटक भी आते तो इस बारे में सभी लोग बात करते हैं, सब जलकुंभी क्यों है। ये तो बार बार लास्ट ईयर कम थी, पर इस बार क्या कि वो फॉरेस्ट के द्वारा अगर वो साफ सफाई अभियान स्टार्ट नहीं किया गया, उस वजह से इस बार काफ़ी ग्रोथ हो गई इसमें। अब बहुत ज़्यादा तादाद जलकुंभी है यहाँ पर, अब उसको तो क्या कि लार्ज स्केल में मशीनों द्वारा इसको साफ कराना पड़ेगा, क्योंकि नीचे क्रोकोडाइल वगैरह भी हैं। अभी काम का फॉरेस्ट का ही है, फॉरेस्ट की वो लेक है, और हम लोग की तो बोटिंग है वहाँ पर। जब जलकुंभी पूरी कवर्ड हो जाती हैं तो ऐसे में बोट्स चलाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ, पर पटक बिल्कुल लेते हैं, चूँकि क्या कि जलकुंभी सराउंडिंग पूरा इतना डेंस हो के बोट के आसपास 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर एरिया में फंसी हुई हैं, ऐसे में पॉसिबल ही नहीं कि हम लोग कैसे बोट को निकालें, रिस्की भी है। तो इस वजह से उसको बंद करके कैनम रखा हुआ। जैसे जलकुंभी हटती हैं तो अभी तो मुझे लग ही नहीं रहा कि हट पाएंगी, क्योंकि बार बार ही हटती है। हमने काफ़ी कोशिश होते होते हमने बांस से उठा के किया, बाकी लार्ज स्केल काम में ये फॉरेस्ट को ही करना होगा, क्योंकि उन्हीं के उसमें लेक आती है।